हेलो गाइस। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम अपना गूगल एड्स अकाउंट का सेटअप किस तरीके से करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो चीजें बताऊंगा कि आप गूगल एड्स अकाउंट सेटअप कैसे करोगे और दूसरा उसमें पेमेंट ऐड किस तरीके से करोगे, पेमेंट मेथड आप कौन सा यूज कर सकते हो। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको अपना एक जीमेल आईडी बनानी पड़ेगी। तो गाइस आपको गूगल सर्च में आपको टाइप कर लेना है गूगल एड्स लॉगिन। तो गाइज यहाँ पे कभी कभी इसके ऑफर चलते रहते हैं गूगल एड्स के। जैसे अभी 25,000 का ऑफर चल रहा था कि 25,000 आप स्पेंड करोगे तो 25,000 ये गूगल एड्स अलग से अपनी तरफ से देगा। तो टोटल 50,000 का कैंपेन चलाओगे तो आपको पे करने पड़ेंगे सिर्फ 25,000। तो इस तरीके के कुछ ऑफर चलते रहते हैं और ऑफर सबसे टॉप में आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड कर सकते हैं। ऑफर नॉर्मली 2,500 रुपए का, 2,000 रुपए का तो ऑफर रहता ही है इसमें नॉर्मली। तो गाइज यहाँ पे जैसे मैंने गूगल एड्स लॉग इन किया, यहाँ पे गूगल एड्स ने हमें एक अकाउंट आईडी प्रोवाइड करा दी है 9189068664। तो ये हमारी गूगल एड्स अकाउंट की आईडी है और इसी के थ्रू हमें अगर फ्यूचर में कोई गूगल एड्स से सपोर्ट लेनी है तो इसी के थ्रू हम गूगल एड्स हमारी सपोर्ट करेगा। गूगल एड्स के जो टीम होती है सपोर्ट टीम, वो हमारी इसमें हेल्प करेगी इसी के थ्रू, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर गूगल एड्स आपसे ये पूछ रहा है कि आप क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं, आप अपने परचेज को बढ़ाना चाह रहे हैं या बुकिंग को बढ़ाना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये ऑप्शन है कि अगर आप गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को भी यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं गूगल एड्स के थ्रू। तो गूगल माई बिजनेस, उनको मैं बता दूं जिनको ये नहीं पता है, गूगल माई बिजनेस बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने बिजनेस को गूगल पर लिस्ट करते हैं, गूगल पर शो कराते हैं। तो आप अपने लोकल बिजनेस को अगर प्रमोट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली गूगल एड्स के थ्रू आप अपने गूगल माई बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट है बढ़िया तरीके से बनी हुई है तो आप स्विच टू एक्सपर्ट मोड के थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे टॉप में आते हैं गोल, सेल्स का है, लीड्स का है, वेबसाइट ट्रैफिक है, प्रोडक्ट एंड कंसिडरेशन का है। तो जो भी गोल आपका है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। या हमें अभी क्या करना है गाइस, गूगल एड्स अकाउंट सेटअप करना है। अभी हमारा गूगल एड्स अकाउंट नहीं बना है, सिर्फ हमारी आईडी आई है यहाँ पे 918 वाली। तो यहाँ पे क्या करें हम, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट ए कैंपेन। तो अभी हमें कोई कैंपेन नहीं बनाना है, सिर्फ हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट विदाउट ए कैंपेन। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में ये हमारी कंफर्म योर बिजनेस इन्फॉर्मेशन के पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ हमें सबमिट करना है। तो इस तरीके से हमारा गूगल एड्स अकाउंट सेटअप हो चुका है। अब गाइज हम ये कर सकते हैं कि या तो हम अपना कैंपेन बनाना बनाना स्टार्ट कर सकते हैं कैंपेन, फिर उसके अंदर एड ग्रुप बनेंगे, एड ग्रुप के अंदर हम मल्टीपल एड्स बना सकते हैं। तो या तो ये प्रोसेस कर सकते हैं या फिर हम एक स्टेप और चल सकते हैं कि हम अपने बिलिंग सेटअप कर सकते हैं। तो बिलिंग सेटअप के लिए हमें जाना होगा टूल्स एंड सेटिंग्स में। टूल्स एंड सेटिंग में जाकर के बिलिंग वाले ऑप्शन में जाना है हमें और यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाइए या असेंबली में चले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम पेमेंट सेटअप वाले पेज पर। तो पेमेंट सेटअप वाले पेज पर सबसे शुरू में आता है कि आप कौन सी कंट्री के लिए है। इंडिया ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे अकाउंट के टाइप दो होते हैं, एक तो या तो आप अपना गूगल एड्स अकाउंट इंडिविजुअल चलाएंगे या ऑर्गेनाइजेशन के लिए चलाएंगे। तो इंडिविजुअल अगर आप है तो इंडिविजुअल को आपको सिलेक्ट करना है और ऑर्गेनाइजेशन में है तो ऑर्गेनाइजेशन आपको सिलेक्ट करना है। बस इनमें डिफरेंस ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में आगे जो बिजनेस से रिलेटेड चीजें हैं जैसे जीएसटी नंबर ये सब मस्ट हो जाएगा, आपको यहाँ पे फिलअप करना ही होगा। और इंडिविजुअल में आप यहाँ पे नॉर्मली आप कभी भी अपना कितने लंबे टाइम तक आप अपना एड चला सकते हैं विदाउट जीएसटी, ये सब होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पेमेंट मेथड यूज करेंगे कि हम गूगल एड्स को किस तरीके से पेमेंट देंगे। तो यहाँ पे ये चार ऑप्शन है आपके पास, नेट बैंकिंग का है, मनी ट्रांसफर का है, ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड का है और लिंक पेटीएम वॉलेट का है। तो चार तरीके से आप गूगल एड्स को पेमेंट कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग में नॉर्मली आपको नेट बैंकिंग ये सब करना है, जैसे आप नॉर्मली अपने बैंकिंग बैंक के लिए नेट बैंकिंग करते हैं। मनी ट्रांसफर के लिए ये होता है कि आपको मनी ट्रांसफर, जैसे आपको गूगल एड्स के अकाउंट में पैसे जमा कराने होंगे, जो भी गूगल एड्स का अकाउंट होगा यहाँ पे जब आप अपना एड्रेस वगैरह फिलअप करेंगे तो आपको ये नेक्स्ट पेज पे लेकर के जाएगा।
तो ये आपको नेक्स्ट पेज पर लेके जाएगा, जहां पर आप गूगल एड्स का जो बैंक डिटेल है वो आप लेंगे, उसमें पैसा डिपॉजिट कराएंगे, तो इस तरीके से ये मनी ट्रांसफर यहाँ पे हो जाएगा। और दूसरी तीसरी नंबर पे आती है क्रेडिट और डेबिट कार्ड। यहाँ पे आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को लिंक करके ऑटोमेटिक यहाँ पे पैसा कटवा सकते हैं। वहां पे मैनुअल भी होता है और ऑटोमेटिक भी होता है, जैसे जैसे आपका ऐड चलेगा वैसे वैसे पैसा आपके कार्ड से डायरेक्ट कटता रहेगा, या आप पैसे इसमें डिपॉजिट भी करा के करा सकते हैं अपनी इच्छा से, जैसे 500 रुपए डालने हैं, 1000 रुपए डालने हैं, जो भी करना है, ठीक है। और चौथे नंबर पे यहाँ पे आता है लिंक पेटीएम वॉलेट। तो पेटीएम, अपने पेटीएम वॉलेट को यहाँ पर ऐड करके भी आप पैसे अपने कटवा सकते हैं। तो उसके बाद में, तो गाइज यहाँ पे मैं अभी कर देता हूँ मनी ट्रांसफर। मनी ट्रांसफर में हमें अपना यहाँ पे एड्रेस डालना होगा, एड्रेस लाइन वन में यहाँ पे मस्ट है, एड्रेस लाइन टू को छोड़ सकते हैं आप। और यहाँ पे आपको अपना स्टेट डालना होगा, जो भी स्टेट है आपका। तो इस तरीके से आपको अपना एड्रेस डालना होगा। उसके बाद में यहाँ पे आप कितना पेमेंट यहाँ पे देना चाह रहे हैं गूगल एड्स को, जैसे 1000 रुपए, 500 रुपए, जो भी है आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से करके यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे गूगल एड्स अपना ये इन्फॉर्मेशन दे देगा, बैंक की डिटेल है, यहाँ पे इस वाले अकाउंट में आप पैसे जमा कर सकते हैं, इसका आईएफएससी कोड ये है, गूगल एड्स अकाउंट नंबर ये है, तो इसमें आप पैसे यहाँ पे जमा करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप इसमें पैसा जमा कर दोगे तो यहाँ पे कंप्लीट आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी पेमेंट मेथड भी, तो गाइज इस तरीके से हमारा यहाँ पेमेंट मेथड भी सेटअप हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना गूगल एड्स अकाउंट और पेमेंट मेथड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में आप गाइज यहाँ पे गूगल एड्स कैंपेन बना सकते हैं। तो कैंपेन बनाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे या तो न्यू कैंपेन कर देना है, या कैंपेन्स वाले से ऑप्शन में जाकर के यहाँ पे आप न्यू कैंपेन सेटअप भी कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से आप न्यू कैंपेन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में एड ग्रुप होगा, उसके बाद में एड ग्रुप के अंदर आप अपने जितने भी एड्स बनाना चाहे वो बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप दोबारा से यहाँ पे गोल सेटअप करेंगे। गोल सेटअप करने के बाद में तो गाइज ये चीजें किस तरीके से आप कैंपेन बनाओगे, कैंपेन तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप न्यू कैंपेन बनाओगे और उसके अंदर आप एड किस तरीके से लगा सकते हैं। तो गाइज कोई अगर आपका कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना अगर आप न्यू हमारे चैनल पर हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।